उसका हम इंस्टॉलेशन सीखते हैं। आपको इस तरह से इंस्टॉलर जिप्ड फॉर्म में मिलेंगे, ये हम आपको भेजेंगे। इनको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला फोल्डर खुल जाएगा, उसमें से दिखेगा कि इसमें क्या है। और इसको अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर खोलने के लिए, तो वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड हमने इनका 123 रख रखा है, तो आप ये वाला पासवर्ड उसमें एंटर कर दें तो ये वाले जो इंस्टॉलर हैं ये आपके डेस्कटॉप पे इस तरह की चार फाइलें आपको मिल जाएंगी। एक फाइल है एनक्रिप्शन के लिए, ये दूसरी है की जनरेटर लाइसेंस जनरेशन के लिए, ये है एंड्रॉयड प्लेयर और ये है विंडोज प्लेयर। हम सभी को बार बार देखते हैं, बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी के एनक्रिप्शन प्रोसेस हमारा सबसे पहला प्रोसेस होने वाला है, तो इसके लिए हम इस एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे चलेगा, आप प्रोड्यूसर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होने वाला है। ये आप अपने एंड यूजर को, अपने स्टूडेंट को नहीं देंगे, इसका इस्तेमाल सिर्फ आपने करना है ताकि आप अपने कंटेंट को एनक्रिप्ट कर सकें। जब वो इंस्टॉल हो जाए तो ऐसा विंडो आपको नजर आएगा। इसमें कई चीजें हैं, तो मैं सबसे पहले कंफ्यूज ना करते हुए क्लिक टू एनक्रिप्ट वन फाइल एट ए टाइम, ये ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड होगा। इस ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दें और इसको थोड़ा देख लें। ये फाइल चूज कर सकते हैं कौन सी फाइल को एनक्रिप्ट करना है आपने, तो एक एक करके आप एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज करें। तो ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं बाद में आता हूं, पहले मैं जरा इसका वैसे एक्सप्लेनेशन दे दूं, ये भी बाद में आता हूं। तो देखने वाली बात है कि सबसे पहले आपने ये एंटीवायरस नोटिस पढ़ लेना है। एंटीवायरस नोटिस में क्या होगा, वो बताएगा कि ये वाला जो वीडियो प्लेयर है, ये क्योंकि इसने प्रोटेक्ट करना है, ये यूजर के कंप्यूटर को स्कैन करेगा, टाइम टू टाइम स्कैन करता रहेगा, तो इसलिए ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये वायरस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये अच्छे वायरस हैं, पर क्योंकि हैं तो ये वायरस ही, इसलिए एंटीवायरस इनको प्रॉब्लम करने वाले हैं। आपने अपने कस्टमर को बोल देना है, अपने स्टूडेंट को बोल देना है कि अपना एंटीवायरस इसे बंद रखें। अच्छा, उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख लेना। फिर यहां पे तीन बटन हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं, ये भी छोड़ दें, ये आपका अभी जरूरत नहीं होगा। तो बेसिकली दो बटन हैं आपके जो इंटरेस्ट के होने वाले हैं। पहला है क्लिक टू स्टार्ट एनक्रिप्शन, बाद में आता हूं। सबसे जो अभी इमीडिएट जरूरत है मुझे, लॉन्च स्टैंडर्ड वीडियो प्रोसेसर, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये बटन दबाने से एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, जो स्टैंडर्ड वीडियो प्रोसेसर यानी कि आपके बने हुए कंटेंट को वो छोटा कर देगा, क्लीन कर देगा और क्वालिटी बढ़ा देगा। तो फिर इसमें आपका कुछ ये वाले टर्म्स देख लेना, ये क्या चीज है, इसको स्टडी कर लेना। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आपका एंटीवायरस नोटिस पे जब आपने क्लिक किया होगा तो ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा, इसको आप सारा पढ़ भी लेना, आप समझ जाएंगे कि एंटीवायरस क्यों बंद करने पड़ेंगे। तो इसके बाद क्या है, ये जो यहां पे बटन था वीडियो प्रोड्यूसर वाला, स्टैंडर्ड MP4 प्रोड्यूसर वाला, वो वाले बटन को यानी कि इस वाले को, लॉन्च स्टैंडर्ड वीडियो प्रोसेसर को, हम सबसे पहले इस बटन को क्लिक करेंगे इसको देखने के बाद। तो लेट अस सी, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो वीडियो प्रोड्यूसर सॉफ्टवेयर है ये खुल जाएगा। तो यहां पे आपने जिस फाइल को छोटा करना है, प्रोसेस करना है, उस फाइल को चूज करें। ये फर्स्ट स्टेप है, प्रोसेस ऑफ योर वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे मिस नहीं करें। आपका कंटेंट भले MP4 में पहले से ही हो,
या अच्छे से अच्छे ढंग से आपने बना रखा हो, लेकिन हम फिर भी कहेंगे ये जरूरी है कि आप अपने एक एक वीडियो को इस सॉफ्टवेयर में से पास करके उसे छोटा कर लें, उसे सही कर लें। अगर आप उसे सही कर लेंगे तो यहां पे जैसे हमने बता रखा है वो वीडियो आपके हर जगह छोटे बड़े फोन पे, बैड फोन पे, या किसी तरह का भी आप समझ लो कमजोर फोन पे या कमजोर कंप्यूटर पे भी वो इजीली चल जाते हैं। और दूसरी बात है कि एनक्रिप्शन जो है उससे बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर आप ये स्टेप मिस करते हैं तो कई बार एनक्रिप्शन भी जो है वो पूरा नहीं हो पाता, खासकर एंड्रॉयड फोन के ऊपर वो दिक्कत करने लगता है। तो ये वाला स्टेप आप कर ही लें, इसका फायदा है, नुकसान नहीं होगा आपको। तो इसमें ऑप्शंस हैं डिजायर्ड रेजोल्यूशन, सेम एज रिकॉर्डिंग डायमेंशन, आप इसे ही रख लेना। तो जिस तरह आपने रिकॉर्ड किया होगा ये उसी डायमेंशन में उसको रख लेगा। स्पीड प्लेबैक, क्या फास्ट करना है तो आप इतना स्पीड उसका बढ़ा सकते हैं, वरना ये ऑप्शन वैसे फोन में भी होने वाली है, तो एंड्रॉयड फोन में ये आपके प्लेयर में भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, बच्चा चाहेगा तो वहीं से भी कर लेगा। ये टिक मार्क ही रखिएगा, ये ऐसा ही रहने देना, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इस स्टार्ट बटन को आप दबा दें। सो बेसिकली आपका पहला जो स्टेप मैं बता रहा हूं कि वीडियो को साफ करना है, तीन बटन सिलेक्ट करिए और सीधा स्टार्ट बटन दबा दीजिए, वो वीडियो आपका क्लीन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये एक एक करके आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रोसेसर क्यों एक एक करना पड़ता है, क्योंकि ये सीपीयू बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा आराम आराम से ही इसको कर लेना है। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये आपका प्रोड्यूसर में आपने ये बटन दबाया, आपने अपनी वो फाइल चूज कर ली, फाइल MP4 क्यों ना हो भले, आप उसे इसके थ्रू पास करें। वैसे आपकी AVI फाइल, MP4, WMV और कई तरह के फॉर्मेट हैं, वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो फाइलें अपने आप यहां दिख जाएंगी। जिस फाइल को आपने कन्वर्ट करना है, छोटा करना है, उसको आप इस प्रोसेस के थ्रू छोटा कर सकते हैं। तो ये आपने जैसे वो चूज कर लिया होगा, यहां पे सेम एज रिकॉर्डिंग डायमेंशन रख लीजिए। अगर आप उसको और छोटा करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड HD है, स्टैंडर्ड है, ये वाले भी कई बार काम आ जाते हैं कि वीडियो साइज बहुत छोटा कर सकते हैं आप उससे, वो फिर आप उसको भेजना है किसी को, पेन ड्राइव में भेजना है तो, या डाउनलोड करवाना है, उससे वो स्पेस कम लेगा। तो चलिए जी, वो आपका कन्वर्ट हो गया, छोटा हो गया। अब उसके बाद है उस छोटे वीडियो को एनक्रिप्ट करना। तो सबसे पहले आपका, मैंने वन फाइल एट ए टाइम वाला ही बात कर रहा था, तो चूज फाइल, उस फाइल को ब्राउज करके चूज कर लें, जो छोटी हो चुकी है उस फाइल को आप चूज कर लें। जो उस फाइल का नाम होगा वो अपने आप यहां पे आ जाएगा, और फिर आप यहां पे एक 5 कैरेक्टर का पैकेज कोड भर देना। ये 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, ये मैंने P0001 भरा है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसे कम नहीं हो सकता, इसे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका पर्पज क्या है कि लेटर से कि आपका एक कंटेंट है जिसमें 100 वीडियोज आप इकट्ठे बेचते हैं, यू आर सेलिंग देम टुगेदर एज वन यूनिट, यानी कि एक कंप्यूटर का अगर लाइसेंस बंदे के पास है तो सारे जो वीडियो हैं उसी एक लाइसेंस से खुल जाएंगे। तो ऐसे सारे वीडियोस के लिए एक पैकेज कोड बना दिया जाता है जो आप यहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, P0001। ये आप कुछ भी भर लीजिए, अपना कुछ भी मन में जो अच्छा लगे वो आप भर सकते हैं। तो उसके बाद फ्री ट्रायल मिनट्स हैं, 1 मिनट ±30 सेकेंड। इसका मतलब है कि जो आपका कस्टमर है वो जब आपके इन वीडियोस को प्ले करेगा तो वो शुरू का 1 मिनट वो फ्री में देख पाएगा, तो उसको आप ट्रायल कह लीजिए या उसको एक एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए। तो यहां पे आप ज्यादा भी चूज कर सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन इसे कम नहीं कर सकते आप। तो कम से कम 1 मिनट यहां पे आपको फ्री
देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका जीरो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो दूसरा प्लेयर है, जो प्रीमियम प्लेयर है, वो इस्तेमाल होता है, तो ये आपके इस वाले में ये आपको रहेगा। अगर आपको ये फिर भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप शुरू का एक मिनट अपनी कोई वैसे ही कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का वीडियो जोड़ दीजिए शुरू में, तो इसका रास्ता आप वैसे निकाल सकते हैं। वैसे एक मिनट कोई ज्यादा नहीं होता, तो अगर दे भी दिया जाए फ्री में, तो उसका ज्यादा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये करने के बाद ये पीडीएफ भी बीच में पैक किया जा सकता है। कैसे पैक होता है मैं बाद में आता हूं, पर पहले मैं इसको क्लिक टू स्टार्ट एनक्रिप्शन वाले बटन को दबा दूंगा। सही, फाइल चूज करिए, नाम अपने आप आ जाएगा, पैकेज जो डिसाइड करा वो, और बेसिकली ये तीसरा काम ज्यादा नहीं है, तो आदत पड़ जाती है। तो यहां पे आपकी अपनी कंपनी का नाम नजर आएगा, जैसे कपिला ट्यूशन क्लासेस है, तो जिनका भी है तो उसी हिसाब से आप अपना नाम भी यहाँ पे, आपका जब आप खरीद लेंगे तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा, ये बात एक ये भी ध्यान रखिएगा कि योर इंक्रिप्शन फॉर्मूला इज यूनिक, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है उसमें इंक्रिप्शन का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ आपका अपना फॉर्मूला होगा, दुनिया भर में वो किसी और का फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, कि आपके द्वारा एनक्रिप्ट किए हुए वीडियोस का लाइसेंस सिर्फ आप ही दे पाएंगे, कोई और नहीं दे पाएगा। पैकेज कोड भले हर कस्टमर का सेम हो जाए, लेकिन अपने अपने का ही लाइसेंस दे पाएंगे, क्योंकि आपके एनक्रिप्टेड वीडियोस में आपका फॉर्मूला यूनिक है, एक है दुनिया में। तो इस तरह से डरने की कोई बात नहीं है, हम हर कस्टमर का फॉर्मूला अलग रखते हैं। तो पैकेज कोड अगर आपका P0001 है, किसी और का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जी, ऐसा हुआ कि जब आपने एनक्रिप्ट कर लिया, मैसेज आ गया, एनक्रिप्टेड फाइल क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर एज द ओरिजिनल फाइल। तो जहां पे आपकी असली फाइल पड़ी हुई है, जो पाथ था उसके पास में वो फाइल, देखो ये वाला पाथ यहां से आप देख भी पा रहे हो कि ये मैंने चूज किया हुआ था, इसके बगल में एनक्रिप्टेड फाइल उसने बना के रख दी है। ये जो आइकन है ये आप चेंज करवा सकते हैं, आप हमें भेज दीजिए, हम ये आइकन आपका बना के दे देंगे। मतलब भेजना तो आप ही को होगा, डाल के दे देंगे हम आइकन। तो ये आइकन हमारा बाय डिफॉल्ट आता है, इससे पहचान हो जाती है कि ये एनक्रिप्टेड वीडियो है, ये MP4 वाले का तो जैसा आपके आता है वैसा आता ही रहेगा। चलें जी आगे। बल्क एनक्रिप्शन की बात करूं, बहुत दफा ये होता है कि आप एक एक वीडियो एनक्रिप्ट नहीं करना चाहते, आपके पास 100 वीडियोस हैं, आप उनको एक ही स्टेप में एनक्रिप्ट करना चाहते हैं कि बटन दबा के चले जाएं, चाय वगैरह पी लें, खुद ही एनक्रिप्ट हो जाएं। तो उसके लिए बल्क एनक्रिप्शन का ऑप्शन इस्तेमाल करें, उसके सारे स्टेप मैंने यहां लिख रखे हैं, इनको आप फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। और लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो स्टैंडर्ड वीडियो प्रोसेसर है वो आपको फिर भी एक एक वीडियो पे अलग अलग करके ही चलाना पड़ेगा। एनक्रिप्शन इकट्ठी होगी, पर जो कन्वर्जन है वो आपकी एक एक करके ही होगी। तो इसका मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कैसे करना है। आप डी ड्राइव पे जाओ, ये आपकी डी ड्राइव है, उस पर एक फोल्डर बनाएं जिसको नाम दे लें चाहे कंटेंट। जो यहां लिखा है मैं वही बता रहा हूं यहां पे। तो डी ड्राइव में आपने कंटेंट नाम का फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर में आप अंदर चले जाएं, तो कंटेंट में आप अंदर जाएं, वहां जाके आप एक फोल्डर बनाएं P0001। ये फोल्डर वो फोल्डर है जो आपके पैकेज का नाम है। अगर आपका दूसरा कोई पैकेज है EXYZ, जो भी आपका पैकेज है, तो उसका फोल्डर भी बना लें। इस फोल्डर में इसके सारे वीडियो रख दें, इसमें इसके रख दें, वीडियो सीधे रखने हैं, सब फोल्डर नहीं बनाने। आगे 100 का 100 वीडियो इसमें सीधा, इसका अपना वीडियो इसमें सीधा, इसके आगे सब फोल्डर नहीं बनाने। तो ये कंटेंट है, कंटेंट में ये फोल्डर बना है, ये बना है, उनके आगे और पैकेजेस हैं। तो आपने जब यहां पे ब्राउज करना है
यहाँ पे चूज फोल्डर का ऑप्शन है, चूज फाइल का नहीं है क्योंकि फोल्डर पूरा ही एनक्रिप्ट होने वाला है। तो चूज फोल्डर से आपने कंटेंट तक ब्राउज करना है, कंटेंट तक, अंदर नहीं जाना। लोग क्या करते हैं, वो P0001 तक पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होगा, एनक्रिप्शन नहीं होगा, कंटेंट तक जाना है आपको। मैं दिखा देता हूं, शायद आगे स्क्रीनशॉट हो इसका। हाँ देखो, जैसे मैंने ई कंटेंट तक गया हूं, कंटेंट में आगे P0001 फोल्डर था, उसमें मैंने ये एक ही फाइल रख रखी थी, तो जब एनक्रिप्शन हो गया इसने बता दिया एक पैकेज एनक्रिप्ट हुआ, तो उसमें P0001 था तो वो एनक्रिप्ट हुआ, उसमें एक फाइल थी, और बाकी डिटेल के लिए _log.txt, वो आपको फाइल यहीं कंटेंट में मिल जाती है, उसमें आ जाएगा कौन सी फाइल रह गई है, तो बता देगा क्यों छोड़ दी। अक्सर क्या होता है कि 3 मिनट से छोटी फाइलें या 3 MB से छोटी फाइलें, ये फाइलें एनक्रिप्ट नहीं करी जाती, तो आपकी फाइल इससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये इसमें एनक्रिप्टेड फाइल्स का फोल्डर बना, उसमें आपकी जो फाइल्स एनक्रिप्ट होके वो आपको सारी वहां मिल गई। तो बल्क एनक्रिप्शन या फिर भी पढ़ लेना, कर लेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अब एनक्रिप्शन में PDF भी साथ पैक किया जा सकता है, ताकि आपका जो स्टूडेंट है वो वीडियो के साथ PDF को भी देख पाए। उसके लिए ये डिटेल ऑप्शन आपको यहां मिल जाएंगी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि या तो आप यहां से ब्राउज करें, जैसे वन फाइल एट ए टाइम कर रहे हैं, तो आपकी जो PDF फाइल है लेटर से xyz.pdf पड़ी है, तो उसको ब्राउज कर लें, जैसे आप MP4 को कर रहे थे, वही पैकेज और बाकी क्लिक टू स्टार्ट एनक्रिप्शन, वही एनक्रिप्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि आपका वीडियो के साथ PDF रिलेटेड होता है, जैसे ये मेरा वीडियो है collisions.mp4, इसके साथ इसी का रिलेटेड स्टफ है collisions.pdf, तो आप दोनों फाइलों को सेम नाम दे दें, collisions.mp4, collisions.pdf, तो एक ही फाइल में, एक ही एनक्रिप्टेड फाइल में वो ये भी डाल देगा और वो भी डाल देगा। तो आपको ब्राउज उसमें सिर्फ एक तक ही करना है, आपने MP4 तक कर लिया वीडियो तक, ये फाइल सेम नाम की होने की वजह से ऑटोमेटिकली collisions.mp7 या जो भी एक्सटेंशन आपका बना होगा, वो फाइल, एक ही फाइल में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। और बच्चा, स्टूडेंट, एंड यूजर इन दोनों को कैसे देखेगा, वो मैं आपको प्लेइंग वाले वीडियो में समझा दूंगा कि उसको किस तरह से वो स्टूडेंट उसको देख पाएगा। तो ये एनक्रिप्शन का प्रोसेस है, मैं इस पे क्लोज करता हूं। जब एनक्रिप्शन कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि वीडियो को प्ले कैसे करना है। तो ये एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का वीडियो मेरे हर सॉफ्टवेयर के लिए चलता है, चाहे आपने महंगा वाला सॉफ्टवेयर लिया है, चाहे आपने स्केल डाउन सॉफ्टवेयर लिया है, चाहे आप इसमें क्विज इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे आप इसमें PDF इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे आप इसमें वीडियो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग वगैरह का भी इसमें प्रोविजन है। ये लॉन्च क्लाउड कॉम, ये आपका स्ट्रीमिंग के लिए है, लेकिन ये आपका दूसरे वाला जो प्रीमियम सॉफ्टवेयर है उनमें ही एप्लीकेबल होता है, फीचर इसमें सारे डले हैं, आप सारा इसको टाइम टू टाइम देख सकते हैं। और जैसे ही आपका मन बनता है कि आपको प्रीमियम सॉफ्टवेयर में जाना है, तो आप डिफरेंस अमाउंट पे करके प्रीमियम वाला सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, तो जस्ट ए सिंपल अपग्रेड। सो वी विल क्लोज दिस लेक्चर नाउ, थैंक यू।